इस पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया कोई वक्ता है, एक ही है, जिनकी कथा कहने से रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनत ही सीता, जिनकी कथा श्रवण करने से व्यथा मिट गई, जिनके मुख से कथा सुनने से दूसरों की व्यथा मिट जाए, वही वक्ता। वक्ता तो कौन? एक ही। और दुनिया में सबसे बेहतरीन श्रोता प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन, ऐसे ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराराम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। परम पूज्य श्री दादा गुरु सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम, कली कुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों को प्रणाम। उनसे प्रार्थना, दास पर अपना अनुग्रह करें, किसी ना किसी रूप में यहाँ विद्यमान हो गए। आज कथा कहने में हमें बहुत ज़्यादा ही आनंद आएगा, क्योंकि जब श्रोता बढ़िया हो तो वक्ता के भाव अपने आप श्रोताओं की दम पर प्रकट होने लगते। एक बात अपने जीवन में याद रखना जीतू भाई जी, वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे। और हम लोग भूल एक ही करते हैं, हम लोग वक्ता को पकड़ते, साधु कहते हैं वक्ता को मत पकड़ो, वक्तव्य को पकड़ो। अन्न का कण संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो अन्न के कण को और संत के क्षण को संजो करके रख लेता है, उसका सदुपयोग कर लेता है, अपनी जिंदगी में चार चांद लगा लेता है। क्योंकि आग लगी आकाश में झर झर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता